नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। एक बार फिर सुहागी पहाड़ में भीषण हादसा हुआ है। दीपावली के त्यौहार में अपने घर वापस लौट रहे मजदूरों से भरी यात्री बस अनियंत्रित होकर गिट्टी से लोड ट्रेलर में घुस गई। शुक्रवार देर रात प्रयागराज नेशनल हाईवे पर सुहागी पहाड़ में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 35 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। क्षतिग्रस्त बस के अंदर से 35 यात्रियों को निकाल लिया गया है, जबकि 15 से अधिक यात्री बस की केबिन में फंसे हुए थे, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। यात्री बस हैदराबाद से सवारी लेकर लखनऊ जा रही थी। रात करीब 11 बजे जैसे ही सुहागी पहाड़ की ढलान पर पहुंची, तभी आगे चल रहा ट्रेलर अचानक धीमा हो गया। इस दौरान पीछे से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर में घुस गई। बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका आधा हिस्सा ट्रेलर में घुस गया। ट्रेलर में लोड गिट्टी बस के अंदर भर गई, जिससे बड़ी संख्या में यात्री उसके अंदर फंस गए। घटना की जानकारी से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और घायलों के समुचित उपचार का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं घटना स्थल और अस्पताल की तस्वीर और सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और कलेक्टर मनोज पुष्प का घटना के संबंध में क्या कहना है। ए हिमालय हिमालय रुक जा रुक जा रुक जा रेडी ना बाबा मीडिया से ये यहाँ आने के बाद जो बचे हैं वो लोग बच्चे को बिठवा दो अच्छे से, बच्चे के माँ बाप को बुलवा के यहाँ उनको साथ में करो। 15 मम्मी पापा आ जाते हैं अभी, तो मम्मी पापा आए नीचे नीचे पलंग का इस पार्ट के जो इंस्पायर चले मेरा नाम सुशील कुमार यादव है, मैं DMPB के ऑथर हूँ। हम रीवा से लौट रहे थे
और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना एक या दो मिनट पहले ही हुई होते में TI साहब भी अपनी टीम को लेकर पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से, बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और TI साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और शासन टाइम पे पहुंच गया और जितने लोगों को जो घायल थे उनको यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया। घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हुई है। लोग अभी डेड बॉडी निकली हुई है और घायल लगभग मुझे लगता है 40 से ऊपर लोग घायल हैं। जी मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। आप लोग क्या हाथ कैसे हादसा हुआ? हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती, यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना में नाश्ता वास्ता किए, नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली, बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी अन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में? बस में लगभग 100 के आसपास ज्यादा थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग उत्तर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस्ती, गोरखपुर बस्ती। ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं? हाँ, हमारे जिया जी हैं एक तो जो जख्मी हो गए हैं, उनको पैर में चोट आ गया है, मेरे ही पैर में चोट आया है। बस सर, क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? हम छपरा जिले के रहने वाले हैं, दाऊदपुर थाना क्षेत्र के। नाम क्या आपका? विकास कुमार शर्मा। सही है, और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, 11:30 से 12 बजे के बीच की ये इंसिडेंट था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और JCB बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण, उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी। और एक जो बहुत ही ससेप्टेबल था, जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस समय मौके पे, उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं और वर्तमान में उनका यहाँ इलाज चल रहा है। जिन लोगों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है उन लोगों को 2 बसों से इलाहाबाद रवाना किया जा चुका है। अभी भी 20 के आसपास लोग यहाँ हैं जिनके लिए हम एक और बस अरेंज कर रहे हैं और उस बस से उनको भी हम इलाहाबाद तक रवाना कर रहे हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर प्रयागराज से हमारी बात हो गई है और वो आगे भी उनके घर वालों को खबर करने और जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो भी इसको कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुबह सुबह ही हमने बताया, उन्होंने इसकी चिंता पाली है। घायलों के इलाज की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं हो और इनको अपने
घर पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो। डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद प्रक्रिया की पूर्ति करके उनके बॉडी को भी उनके जो निवास स्थान है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की। सर, एक वाहन और एक चालक, उसके चालक का पता नहीं चल रहा है। ये हमारा अभी फोकस राहत बचाव और इनको मदद करने और इनको इनके घर तक पहुँचाने पर है। वो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उस पार्ट पर हम इसके बाद लगेंगे। एसपी साहब, हम और हमारी पूरी टीम जो है अभी जो घायल हैं उनको इलाज करने और जो लोग यहाँ स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको उनके घर तक भेजने पर है। ये काम अगले 2-4 घंटों में हो जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन और क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनको हम लोग उसके बाद। सर, जानकारी मिल रही है कि व्यक्ति घायल की ओर मौत हुई है, टोटल कितनी संख्या हो गई है? टोटल 15 हो गई है संख्या। जो आपको बताया था कि जो एक बहुत ही सीरियस था जिसको कि हम लोगों ने गिट्टी हटा के उसमें से भीतर से निकाल के भेजा था, उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी। तो वहाँ मौके पर जो हम रात में हम लोगों ने 14 का फिगर आपको बताया था, एक फिगर और बढ़ गया है तो 15 लोगों। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही है? बस हैदराबाद से गोरखपुर बांदा की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में तय हो रहा है और सभी को शासन के नियमों के अनुसार जो सहायता है वो पूरी दी जाएगी और इलाज यहाँ निःशुल्क कराया जा रहा है, उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है और सभी योजनाओं में जो सहायता मिलनी है वो पूरी सहायता मिली। सर, हादसे में परिवहन मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं? हाँ, वो अभी मेरी परिवहन मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। लेकिन अभी सभी का जो फोकस है वो इस बात पर है कि इनको अच्छा इलाज कराया जाए और जो डेड बॉडी है उसको उनके घर पहुंचाया जाए और जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको मदद प्रदान की जाए। थैंक यू।